आज आपके लिए मैं कुकीज बनाना सिखाऊंगी, लेकिन पहले इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाइएगा। मैं आगे पीछे भी बिस्किट बनाती रहती हूँ, लेकिन मुझे लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि आप इसकी वीडियोज बनाएं। आज हम बनाएंगे, इसमें हम यूज करेंगे घी, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, अंडा, एक अंडा, कोकोनट भी है और जीरा भी। जीरे के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, आप कोकोनट भी लीजिए। पहले हम लेंगे एक कप घी, उसी के मुताबिक हम लेंगे एक कप चीनी बराबर। फिर उसमें हम डालेंगे एक अंडा। उसके बाद हम एक चम्मच बेकिंग पाउडर, थोड़ा डालना चाहे तो डाल, नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर चल जाएगा, लेकिन मैं कभी मेरे से लग गया। उसके बाद अब हम मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करना है कि हर चीज मिक्स हो जाए। घी भी है ना, घी डाला ना, घी के साथ ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे, इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आप देखेंगे ना तो आप देंगे वाह। क्योंकि मेरे से मेरे से बच्चे ठीक है, नहीं लेकर जाते, मैं काफी अच्छे से बना रही। अब हम इसमें डालेंगे हम 2 कप मैदा, इतना मैदे की रिक्वायरमेंट है कि हम इसको कभी भी डालेंगे। अब मैं अपना आग यूज करूँगी, क्योंकि हमें इसको गूंदना है आटे की तरह। अगर हमें ये ठीक लगे तो हमें इसको अभी हमें मजदूर मैदा चाहिए मुताबिक, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्वांटिटी ये नहीं कहती कि मैं इस इतने कप लिए, अपने कप अपने मुताबिक और जितना आपको फील हो रहा है इसके साथ एक आटा सा बन जाएगा। वैसे हम दो बन जाती है ना, वैसे बिस्किट की वैसे बनाना आप। हमने एक जान कर लिया इसको, ये देखिए हमारे पास एक दो बन, ठीक है। अब हमने इस बोल से निकाल लेना इसको, ये मेरे पास चीजों को पीछे कर दो थोड़ा सा। अब हमने एक डो बना लेनी, इसको इतना गूंदना है कि सारी चीजें मिक्स हो गए, ठीक है। हमारी डो तैयार हो गई है, अब इस पे हम कोकोनट डालेंगे। कोकोनट हमने 2 चम्मच लिया, आपकी मर्जी से आप कच्चा को नारियल भी डाल सकते हैं, आम भी सब नारियल डाल सकते हैं, टेस्ट। अब फिर हमने इसको यकजान कर लेना एक जैसा, ठीक है ना, एक जैसा कर लेना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप ना नोट करेंगे ना तो चीज़ अच्छी बनेगी। हम आपको बताएंगे कुकर में भी विदाउट ओवन, तो ये देखिए अब हमारे पास प्यारी सी बनेगी डो तैयार हो गई है। अब हमें खुद पता चल रहा है घी चिपक नहीं कर रहा, ये देखना खुद देख लो, ये देखिए। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ इसलिए आज आपके लिए थोड़ी सी बना लूँ, क्योंकि मैं बेकरी चलाती हूँ घर में, मेरे पास आगे बहुत ज़्यादा बच्चे बिस्किट्स ले जाते हैं, मैं घर बैठ के ही अपना काम चलाती हूँ। अब देखें हमने अब उस डो को बेलना है, बेल के आप किसी कटर के साथ भी काट लें, नहीं तो आप छुरी के साथ भी जो शेप देना चाहते हैं वो दे दें, ठीक है। मेरे पास तो कटर भी है, मुझे शौक बड़ा था बेकिंग करने का, इसलिए मैंने हर चीज़ देख रखी हुई है। मेरे पास हार्ड शेप भी है, मेरे पास फ्लावर वाला भी है, जो भी दिल करे आप उसके साथ काट दें। इसको पेलिया मेरे पास, ये देखिए चौरस शेप है, शेप का है, मेरे पास हार्ड शेप है, मेरे पास फ्लावर वाला भी है, हर अच्छे लगते हैं। मुख्तलिफ शेप के बिस्किट बने हो, बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं और फ्रेश कहते हैं मम्मा मैंने हार्ड वाला खाना है, मैंने फ्लावर वाला लेना है, स्केयर खाना है, स्केयर स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए हार्ड वाला कितना अच्छा लग रहा है, ये राउंड बोलो राउंड वाला भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा तुम्हारा दिल कर रहा है खाने को ना। ये देखिए ये फ्लावर है, ये देखिए इतने प्यारे शेप्स आ गए। अब आप इसको उठाएं और प्लेट में डालें, मेरे पास प्लेट पड़ी हुई है, ये देखिए मैं इसको उठा दे जाऊँगी और प्लेट में टर्न कर दे जाऊँगी।
यहाँ किस में रहे हैं? कुकर में या अवन में? हम कुकर में बनाएंगे, कुकर भी हमारे पास प्रोवाइड है। कुकर में तो इजी तरीका है ना कि आप कुकर में रखें और ऊपर से बंद कर दें बस। जी जी सही। जैसे स्टीमर, जैसे हम चिकन स्टीम करते हैं बस हमारे लीक हो जाएगा ना काफ़ी चेन। हाँ चेन में आप अवन में ना, अवन में सुनते रहते हैं बिस्किट्स बनते हैं, कुकर बनते हैं, पास अवन पहली दफ़ा होगा कि हम कुकर में देखें। मेरे पास अवन भी है, मेरे पास अवन भी है, लेकिन मैं ज़्यादातर ना कुकर यूज़ करती हूँ। सही। ये शेप शेप अच्छी आ रही, थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग है, मतलब खाने में मज़ा आएगा, बहुत मज़ेदार है, आपके बेबी बहुत शौक से खाएंगे। ये देखें ठीक है, हम इसको कुकर में रख लेंगे, कुकर के बाद चले फिर देखते हैं कुकर में क्या रिजल्ट, देखते हैं बाद में क्या होता है, होते हैं ब्रेक के बाद। कुकर है, मैंने चीज़ें भी ला रही है, देखिए कितना आपका इतना हो कि गर्म फील हो आपको, बस आपने उठाना है अपना बिस्किट उठाने और इसके अंदर रखेंगे, अंदर रखे इसको बंद कर देंगे। अब आपने 20-25 मिनट को इसको ऐसे ही बंद रहने देना, बार बार कोने से होगा ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ठीक है ना। आप इसको बार बार खोला नहीं, जब ये 20 मिनट लग जाएंगे मैक्सिमम ठीक है ना। अब हम 20 मिनट का इंतजार करेंगे, ये हमारे पकेंगे। चलिए ये देखिए 20 मिनट हो गए, अब हम बिस्किट्स को देखते हैं, ये देखिए कैसे हैं, आराम से जलना चाहिए। मेरा कैमरा मैन हाँ जी ये दिखा है बिस्किट्स, हाँ तो नहीं जल रहा ना, ये देखिए हम इसको एहतियात से सब उठाएँगे, हमारे बिस्किट रेडी है, ब्राउन हो गए। ये देखिए अब हम बिस्किट को इधर ले जाएंगे और अपनी ट्रे में रखेंगे, बहुत मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी है। जैसे इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, बस आपके बिस्किट रेडी हो गए। ये देखिए बिस्किट ये रेडी हो गए, अब से ठंडे हो जाएंगे तो कुछ देर के लिए हमारे ठंडे हो गए, फिर उसके बाद क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनेंगे बने हैं। देखिए शक्ल भी ठीक लग रही है और जबरदस्त जबरदस्त है कैमरा। यस गुड। अच्छा अच्छा ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, प्लीज़ लाइक करें शेयर करें, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का बटन भी दबाना मत भूलिएगा।